जिन भी स्टूडेंट का पार्ट वन का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, साथ में जो भी स्टूडेंट का अभी तक पार्ट वन का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है किसी कारणवश, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप लोगों को जिन स्टूडेंट का डाउनलोड हो गया है तो आप लोगों को किस प्रकार एग्जाम देना है, एग्जाम में क्या क्या निर्देश का पालन करना है, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ। साथ में आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को उस एडमिट कार्ड पर साइन मोहर किस प्रकार कराना है, फुल डिटेल के साथ आप लोगों की इस वीडियो को माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ में अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो इस चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुँचा दिया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि जिन भी स्टूडेंट का पार्ट वन का एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है उन लोगों को क्या करना है, एवं जिन भी स्टूडेंट का सबसे पहले नो फंड रिकॉर्ड लिखा रहा है उन स्टूडेंट को क्या करना है, सही सही सभी डिटेल भरना है। या तो उन स्टूडेंट का मोबाइल नंबर मैच नहीं कर रहा होगा या तो उन स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर गलत होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालना है, तो एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को देना है बल्कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, तो सिंपली आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर ही देना है। और एप्लीकेशन नंबर देने के बाद नीचे में आप लोगों को मोबाइल नंबर वही देना है जो आप लोग रजिस्टर करते समय दिए थे। तो ये दो बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर दूसरा मोबाइल नंबर देंगे तो आप लोगों को नो रिकॉर्ड फंड देखने को मिलेगा। साथ में जिन स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर नहीं है उन स्टूडेंट को क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को उन स्टूडेंट को अपने कॉलेज जाना है, जिस भी कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन है उस कॉलेज में जाकर उसको पता कर ले, कॉलेज से पता कर लेना है एप्लीकेशन नंबर। और सिंपली आप लोगों को सबसे पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद देख लीजिए जिन स्टूडेंट का डाउनलोड हो गया उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है उसमें सभी चीज़ दिया गया है, रोल नंबर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन ईयर भी देखने को मिलेगा, स्टूडेंट का नाम देखने का मिलेगा, फादर जी का नाम देखने को मिलेगा, उसके बाद कॉलेज का भी नाम देखने को मिलेगा आप लोग जिस कॉलेज से हैं वो कॉलेज, और नीचे में सेंटर कोड आप लोगों को एंड कॉलेज नाम भी दिया जाएगा। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले सेंटर कोड बता दूँ कि क्या है, तो सबसे पहले देख लीजिए जिस भी कॉलेज में आप लोगों को सेंटर हुआ उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए उस कॉलेज का कोड भी दिया गया है, तो ये कॉलेज का कोड भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सभी चीज़ बताया गया है कि आप लोगों को कौन दिन में कौन सा डेट में आप लोगों को कौन सा एग्ज़ाम है, जैसे देख लीजिए यहाँ पेपर, पेपर कोड, पेपर नेम, सीटिंग एवं एग्ज़ाम, तो आप लोगों को कौन सा एग्ज़ाम कौन डेट में है, साथ में कौन सीटिंग में है, साथ में कौन सा पेपर है और पेपर का कोड क्या है, सभी डिटेल आप लोगों को एडमिट कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नीचे जाने के बाद आप लोगों को कुछ कंडीशन दिया गया है वो आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, नहीं तो अगर आप लोगों से भी गलती होता है थोड़ा भी तो आप लोगों का एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाएगा और आप लोगों को रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए सभी चीज़ आप लोगों को आगे भी बताने वाला हूँ। जैसे एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कॉलेज में जाकर और आप लोगों को एडमिट कार्ड पर कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करा लेना है, साथ में आप लोगों को वहाँ पर कॉलेज का मोहर भी बनवा लेना है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में बैठने को अनुमति नहीं दिया जाएगा और आप लोगों को परीक्षा से निकाल दिया जाएगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम देने चले जाते हैं तो आप लोगों को अंदर नहीं जाने जाएगा, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, एडमिट कार्ड पर सबसे पहले आप लोगों को जिस भी कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन है उस कॉलेज में आप लोगों को चले जाना है एडमिट कार्ड डाउनलोड करके, और सिंपली उस पर साइन और मोहर भी करा लेना। उसके बाद देख लीजिए एग्ज़ाम में आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग को एग्ज़ाम में जैसे ओएमआर शीट मिलेगा तो उसमें आप लोगों को ब्लैक बॉल पेन से ही आप लोगों को ओएमआर शीट आप लोगों को फिल करना है, धोखा से भी आप लोगों को ओएमआर शीट फटना नहीं चाहिए किसी तरह। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को कॉलेज में जाने पर कहां पर साइन कराना है, तो यहां पर आप लोग देख लीजिए सिग्नेचर और प्रिंसिपल आप लोगों को यहाँ पर साइन एंड मोहर भी कराना है। उसके बाद देख लीजिए क्या कंडीशन दिया गया है आप लोगों को एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान में रखना है, साथ में आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे नेट द्वारा तो उस पर आप लोगों को प्रधानाचार्य से एवं साइन एंड मोहर दोनों करा लेना है। उसके बाद देख लीजिए दो नंबर में किन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो वो आप लोगों को ज़रूरी है, सभी चीज़ इसमें ज़रूरी बताया गया है कि आप लोगों को कॉपी किस प्रकार जमा करना है, साथ में आप लोगों को किस प्रकार का कॉपी लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए परीक्षार्थी पूर्व निश्चित तिथियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आप लोगों को एग्ज़ाम होगा, जो आप लोगों को पहले रूटीन जारी किया गया था उसी के अनुसार आप लोगों को परीक्षा होगा। उसके बाद देख लीजिए नंबर 3 में यहाँ पर बताया जा रहा है परीक्षा
परीक्षा का समय समाप्त हो जाते ही अथवा लिखना समाप्त करने के बाद ही परीक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका को जो भी टीचर आप लोगों को रूम में होगा उसको कॉपी देंगे। उसके बाद देख लीजिए नंबर चार। नंबर चार में यहाँ है जो उत्तर पुस्तिका विपक्ष को एक बार सौंप दी जाएगी वो दोबारा रिटर्न नहीं होगा। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग धोखा से भी अपना कॉपी बीच में ही एक घंटा में ही आप लोग कहीं किसी भी प्रधानाचार्य को सौंप देते हैं तो आप लोगों को फिर से कॉपी नहीं दिया जाएगा और आप लोगों को परीक्षा उसी टाइम आप लोगों को इंड मान लिया जाएगा उस दिन का एग्जाम। उसके बाद देख लीजिए नंबर पाँच। प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए एक निर्देश सीट प्रबंध होगा। आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट जाएंगे सभी का अलग अलग सीट होगा, एक निश्चित सीट होगा कि आप लोगों को कहां पर सीट दिया गया है वो आप लोगों को कॉलेज के बाहर एक पर्ती पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नंबर छः में आप लोग देख लीजिए, अगर कोई भी स्टूडेंट धोखा से चोरी करते हुए पकड़ाते हैं या किसी दूसरे को बताते हुए पकड़ाते हैं या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो किसी अदर स्टूडेंट के सीट पर बैठकर एग्जाम दे रहा है, उस स्थिति में सभी स्टूडेंट को जो भी ऐसा कर रहा है उन स्टूडेंट को एग्ज़ाम से निष्कासित कर दिया जाएगा। साथ में उन स्टूडेंट को 3 वर्षों के लिए बैन कर दिया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम वो स्टूडेंट नहीं दे सकता है। तो ये भी स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को इस प्रकार को नहीं करना है। नंबर सात में देख लीजिए, प्रश्न पत्र पर क्रमांक के अलावा कोई अन्य बात लिखना वर्जित है। आप लोगों को बता दूं कि जो भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ उस पर आप लोगों को रोल नंबर लिखना है, उसके अलावा कुछ आप लोग नहीं लिखना है। अगर ऐसा लिखते हैं कुछ पकड़ा जाने पर आप पर उचित कार्रवाई किया जाएगा कॉलेज के टीचर द्वारा। उसके बाद देख लीजिए आठ में आप लोगों को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। परीक्षार्थी को चेतावनी दी जाती है कि अगर आप लोगों को जो भी उत्तर पुस्तिका है उस पर आप लोगों को दो बात लिखना जरूरी है और अच्छा से दिखाई देना भी चाहिए। अगर आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए केंद्र क्रमांक नंबर आप लोगों को एक बात ये और पंजीयन संख्या स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं दिखाई देता है तो आप लोगों को कॉपी जांच नहीं किया जाएगा और आप लोगों को रिजल्ट भी नहीं आएगा। इसके बाद अगर नहीं आता है तो कोई उस पर यूनिवर्सिटी की ओर से आपके रिजल्ट पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 9 नंबर में आप लोग देख लीजिए, जो भी परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका को पहचान करने में अगर गलत ठहराते हैं, अगर आप लोग पहचानते हैं फिर भी अगर आप लोग गलती से बोलते हैं नहीं है मेरा, तो उस स्थिति में आप लोगों को एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। साथ में आप लोगों को ये भी बात में ध्यान में रखना है, आप लोग किसी दूसरे स्टूडेंट के नाम पर भी एग्ज़ाम नहीं देंगे। आप लोग को ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, उस स्थिति में आप लोगों को एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। नंबर 10 में आप लोग देख लीजिए, यदि कोई परीक्षार्थी अपन उत्तर पुस्तिका को आपत्ति दंड या अनुसूचित बात लिखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए सावधानी पूर्वक ये बात आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है एवं जानना जरूरी है। नंबर 10 में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट उत्तर पुस्तिका में आप लोगों को जो कॉपी मिलेगा उसमें अगर कोई आपत्ति दंड बात लिखते हैं परीक्षा में, आप लोगों किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर देते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जो भी उस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए गलत या सही आप लोगों को उसी चीज़ में आप लोगों को देना है। अगर कोई स्टूडेंट गाना लिख देते हैं किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ अगर लिख देते हैं तो आप लोगों को वो लिखना नहीं है। अगर पकड़े जाते हैं तो उस पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, साथ में उसको एग्ज़ाम देने से बैन कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर आप लोगों को देख लीजिए, ये भी आप लोगों को निर्देश कर दिया गया है। इसलिए किया गया है कि इससे पहले बहुत स्टूडेंट पकड़े जाते थे कि कोई स्टूडेंट गाना ही लिख दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद देख लीजिए नंबर ग्यारह में परीक्षा कक्ष के विपक्ष के आदेश पर परीक्षार्थी के लिए अपेक्षित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिए 11 नंबर में यह बताया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम दे रहे उस स्थिति में जो भी टीचर आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में वह टीचर आपके सीट पर जाकर आप लोगों को कॉपी पर सिग्नेचर करेगा, तो ये बताया जा रहा है। देख लीजिए नंबर बारह में देख लीजिए, प्रश्न पत्र बांटने के बाद 1 घंटे तक किसी परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका वापस नहीं करने की भी चेतावनी दी जाती है एवं बाहर नहीं जाने दिया जाए। आप लोगों को बता दिया जाता है कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देने के 1 घंटा बाद तक आप लोगों को न कॉपी जमा करना है किसी टीचर के पास, न आप लोगों को बाहर जाना है, ये भी आप लोगों को बात में ध्यान में रखना है। नंबर 13, यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षा कक्ष से उत्तर पुस्तिका जमा एक बार कर अब बाहर चले जाने पर उसका परीक्षा समाप्त माना जाएगा। आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट 1 घंटा के बाद अगर उत्तर पुस्तिका जमा कर देते हैं
उसके बाद बाहर चले जाते हैं तो उसका परीक्षा समाप्त मान लिया जाएगा और उसको अंदर मना रहेगा, तो वो अंदर फिर से नहीं आ सकता। उसके बाद देख लीजिए नंबर 14 में आप लोगों को नियत समय से 1 घंटा से अधिक विलम्ब आने पर आप लोगों को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं होगा। तो आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अगर निर्धारित समय से लेट करते हैं तो आप लोगों को परीक्षा हॉल के अंदर नहीं जाने देगा, तो ये भी आप लोगों को बाद में ध्यान में रखना है। नंबर 15 में देख लीजिए किसी भी कारण परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा का बहिष्कार करने पर उसका रिजल्ट एवं उस कॉलेज का भी रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, साथ में बाद में उस पर कोई विचार विमर्श भी नहीं किया जाएगा। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आप लोगों को किसी भी परीक्षा को बहिष्कार नहीं करना चाहिए और नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार का बहुत लॉस होता है। इसलिए आप लोग अगर ऐसा कर देते हैं तो आप लोगों को आगे इस पर कोई एग्ज़ाम भी नहीं होगा, साथ में उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा और आप लोग 1 वर्ष के लिए पीछे चले जाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। इस बार आप लोगों को निर्देश जारी कर दिया गया है पहले ही। यहाँ पर देख लीजिए नंबर 16 परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में मोबाइल या इलेक्ट्रिक सामान नहीं लेकर जाना है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना, अगर ऐसा करते पकड़ाते हैं तो आप लोगों को सामान वापस नहीं किया जाएगा। साथ में देख लीजिए नंबर 17 इन नियमों में जो बात आप लोगों की यही बात बताया जा रहा है, इसके अलावा अगर कोई टीचर इसके अलावा अपना कानून लगाते हैं तो वो भी आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए एडमिट कार्ड पर आप लोगों के एडमिट कार्ड रोज़ लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कुछ कंडीशन दिया गया है, सीरियल नंबर दिया गया है और पेपर कोड दिया गया है, पेपर नेम, डेट ऑफ एग्ज़ाम, कॉपी नंबर और आगे सिग्नेचर। तो आप लोगों को क्या करना है, तो फर्स्ट नंबर में आप लोगों को जो पहला एग्ज़ाम होगा उसका पेपर कोड यहाँ लिखेंगे, उसका पेपर का नाम कौन पेपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी ऑनर्स, चाहे जो भी ऑनर्स है, आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट है, जो भी एग्ज़ाम है फर्स्ट दिन, वो फर्स्ट वाले के सामने लिखेंगे। साथ में आप लोगों को डेट ऑफ एग्ज़ाम भी यहाँ पर देना है कि किस डेट में आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कॉपी नंबर साफ साफ लिखना है, आप लोगों को ये उत्तर पुस्तिका पर मिल जाएगा कॉपी नंबर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ, यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर आप लोगों को सिग्नेचर भी करवाना है, तो किस से, तो जो भी आपके क्लासरूम में जो भी विपक्ष होंगे टीचर होंगे उससे आप लोगों को यहाँ पर सिग्नेचर करवाना है फर्स्ट एग्ज़ाम के दिन। आप लोगों को धोखा से भी सेकेंड वाले ऑप्शन में आप लोगों को फिलअप नहीं करना पड़ेगा और एक ही एडमिट कार्ड आप लोगों को रोज़ लेकर जाना है, जिस पर साइन एंड मोहर होगा वही आप लोगों को लेकर जाना है। साथ में यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर में आप लोगों को पेपर कोड जो सेकेंड एग्ज़ाम होगा जिस डेट में उसका देना है, उसी प्रकार पेपर नेम, डेट ऑफ एग्ज़ाम, कॉपी नंबर, सिग्नेचर। तो इस प्रकार आप लोगों को सभी बात ध्यान में रखना है। साथ में आप लोगों के एक बात और ध्यान में रखना है कि आप लोगों को एक अटेंडेंस शीट दिया जाएगा, आप लोगों को उस पर हस्ताक्षर करना ज़रूरी है, तो आप लोगों को वो भी ध्यान में रखना है। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे देते हैं, सभी प्रोसेस इधर का करा लेते हैं, अगर आप लोग अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो आप लोगों को कॉपी जांच नहीं किया जाएगा और आप लोगों को रिजल्ट नहीं आएगा, बाद में आप लोगों को रिजल्ट भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों जो भी डेट में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अटेंडेंस शीट पर आप लोगों को सिग्नेचर कर लेना है, तो ये भी आप लोगों को बात ध्यान में रखना है। तो चलिए आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो इसके बाद तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। साथ में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।